नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। पीएम नरेंद्र मोदी आज गंगा विलास क्रूज यात्रा को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो लिंक के माध्यम से वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे और यहां कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज गंगा विलास क्रूज यात्रा को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम के लिए सीएम योगी गुरुवार को ही वाराणसी पहुंच गए थे। बता दें कि कोलकाता से 22 दिसंबर को रवाना हुई गंगा विलास लग्जरी क्रूज मंगलवार को वाराणसी पहुंचा था। मौसम खराब होने की वजह से यह 3 दिन देर से काशी पहुंचा था। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले गंगा विलास क्रूज यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी यानी आज वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री इस लग्जरी क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। 51 दिनों तक एडवेंचरस सफर पर निकलने वाला यह क्रूज 15 दिनों तक बांग्लादेश से गुजरेगा। इसके बाद असम के ब्रह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। यह क्रूज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के लिए कुल 37 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। इसमें रास्ते में मुख्य 3 नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियां पड़ेंगी। क्रूज बंगाल की गंगा की सहायक और दूसरे नामों से प्रचलित भागीरथी, हुगली, विद्यावती, माल्टा, सुंदरवन रिवर सिस्टम, वहीं बांग्लादेश में मेघना, पद्मा, जमुना और फिर भारत में ब्रह्मपुत्र से आसाम में प्रवेश करेगा। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल की वजह से यह यात्रा बांग्लादेश को क्रॉस करेगी। क्रूज यात्री 15 दिनों तक बांग्लादेश में पर्यटन करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज यात्रा से शुक्रवार को काशी के पर्यटन के क्षेत्र में और एक उपलब्धि जुड़ जाएगी। यह यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के कुल 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। इसमें भारत के अन्य नदियों में भी रिवर क्रूजिंग के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। क्रूज को कोलकाता व वाराणसी के गेंदा के फूलों से सजाया गया है। इन्हीं दोनों स्थानों से दर्जन भर कारीगर देर रात तक इसे सजाने में लगे रहे। उधर पूरे दिन क्रूज को देखने के लिए लोग पहुंचते रहे व दूर घाट से सेल्फी लेते रहे। क्रूज की बकायदा साफ सफाई हुई, करीब दर्जन भर कर्मचारी इस काम में लगे रहे। इस दौरान आधा दर्जन जनरेटर पानी के लिए चलाए जाते रहे। पूरे दिन रविदास घाट पर लोगों का आना जाना लगा रहा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती रही। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।